हाय दोस्त, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं क्रिकलैक्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स इलेवन के जो मैच होने वाला है उसके बारे में। तो इस वीडियो में आप अगर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, मैच का टीम बनाने से पहले आपको मैच का कुछ आपको प्लेइंग इलेवन दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग टीम बनाएंगे। तो उसके लिए हमें चलना होगा नोटपैड बुक में। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं। तो हम लोग नोटपैड बुक में आ चुके हैं। तो टाटा IPL 2022 का ये 32वां मैच खेला जाएगा शाम के 7:30 बजे। तो आप देख सकते हैं दिल्ली का जो प्लेइंग इलेवन है कुछ इस तरह से है। पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर ओपनिंग करेंगे, उसके बाद टिम साइफर्ट है, नौरखिया है, ऋषभ पंत है, रोमन पॉवेल है, उसके बाद ललित यादव, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, मुस्तफिजुर्रहमान, खलील अहमद। ये सारा हो गया आपका दिल्ली का प्लेइंग इलेवन। ठीक है, उसके बाद आ जाइए पंजाब किंग्स इलेवन का जो टीम है उसको देख लेते हैं। शिखर धवन कप्तान है, उसके बाद पी सिंह जो है उनके साथ ओपनिंग करेंगे, जो जॉनी ब्रेस्टो है, लियाम लिंगस्टोन है, जितेश शर्मा है जो विकेट कीपिंग करेंगे, शाहरुख खान है, ओडेन स्मिथ है, कगिसो रवाडा है, राहुल चहर है और वी अरोरा है, अक्षदीप सिंह है। ठीक है, इस तरह से उनका प्लेइंग इलेवन होगा इस मैच में। तो आप देख सकते हैं टीम साइफर्ट या नोरखिया में से दोनों में से कोई एक खेलेगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको कौन खिलाड़ी रहेगा वो चलिए हम आपको ड्रीम इलेवन टीम बनाते वक्त बताते हैं। तो ड्रीम इलेवन टीम में हमने दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स इलेवन का मैच को ओपन करना है। हमने टीम बनाया हुआ है, आपको सिंपली एडिट करके दिखा देंगे कि किस तरह से हमने टीम बनाया है। तो हमारे टीम में ऋषभ पंत है, जॉनी ब्रेस्टो है, जितेश शर्मा है विकेट कीपर सेक्शन से। आप चाहें तो इनमें से किसी एक को ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे कि जितेश शर्मा को ड्रॉप करना चाहते हैं तो ड्रॉप कर दीजिए, या ऋषभ पंत को। मैं तो कहूँगा कि ऋषभ पंत को अगर आप ड्रॉप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहता है पंजाब किंग्स के खिलाफ। ठीक है, तो चलिए बैटिंग सेक्शन से देख लेते हैं। बैटिंग सेक्शन से हमने शिखर धवन, मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शॉ को लिया है। ये जो दो बंदा है ना, काफ़ी धमाका करने वाले हैं इस मैच में। ठीक है, शिखर धवन मतलब कि 50 से नीचे बात ही नहीं करते हैं दिल्ली के खिलाफ। मयंक अग्रवाल, वही दोनों का फंडा वही है। आप पृथ्वी शॉ के बारे में तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको। आप चाहें तो डेविड वार्नर के साथ भी जा सकते हैं। हाँ, टॉस अपडेट आने के बाद हो सकता है कि हम अपने टीम में डेविड वार्नर को जगह दें इनमें से कोई भी एक खिलाड़ी को हटा करके। तो फिलहाल के लिए अभी हमने ऑलराउंडर सेक्शन से अक्षर पटेल और ललित यादव को रखा है। आप चाहें तो लियाम लिंगस्टन को अपने टीम में रख सकते हैं, और स्मॉल लीग में कप्तान के लिए बहुत ही अच्छे चॉइस होंगे आपके लिए। तो इस मैच में मिचेल मार्श खेलेंगे नहीं, क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और कोई ऐसा खिलाड़ी है नहीं ऑलराउंडर सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन से देख लेते हैं। कुलदीप यादव को हमने अपने टीम में रखा है, उसके बाद राहुल चहर है। राहुल चहर को आप चाहें तो अपनी टीम में रख सकते हैं। उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान है, कगिसो रवाडा है, शार्दुल ठाकुर है। तो शार्दुल ठाकुर भी आपको लिए मस्ट पिक हो सकते हैं इस टीम में। उसके बाद खलील अहमद है। तो आप कोई भी खिलाड़ी, एक दो खिलाड़ी चेंज करके अपने टीम को बना सकते हैं, लेकिन आपको फाइनल टीम पाना है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना होगा। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ भाई लाइक कर दो। लाइक करने से आपका क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। चलिए आपको इस मैच में जो आपको कप्तान कप्तान बनाया है उसको भी दिखा देते हैं। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस देखिए, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बॉलिंग में हमने तीन अपने पास रखे हैं, उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन से दो है, और बैटिंग सेक्शन से मिला के छः है, विकेट कीपर और बैटिंग सेक्शन दोनों से मिला के। तो कप्तान हमने शिखर धवन को अपने टीम में रखा है और मयंक अग्रवाल को वाइस कप्तान। आप चाहें तो कप्तान पृथ्वी शॉ के साथ में जा सकते हैं।
पृथ्वी शव के साथ में जा सकते हैं। अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हैं आप तो जॉनी ब्रेस्टो को अपने टीम में कप्तान बना सकते हैं और ऋषभ पंत को भी, ठीक है, तो ऋषभ पंत को भी आप कप्तान बना सकते हो। वाइस कप्तान के लिए जितेश शर्मा को अपने टीम में जगह दे सकते हैं ग्रैंड लीग टीम में, ठीक है। चलिए प्रीव्यू दिखा देते हैं आपको, प्रीव्यू दिखा देते हैं कुछ इस तरह से देखने के लिए आपको मिलेगा। तीन हमने विकेट कीपर सेक्शन से जॉनी ब्रेस्टो, जय शर्मा, ऋषभ पंत, शिखर धवन, मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शाह और अक्षर पटेल, ललित यादव, मुस्तफिजुर रहमान, कुलदीप यादव और कगिसो रवाडा। इसमें से एक चेंज हो सकता है कि अगर मान के चलिए ये आपका ऋषभ पंत अगर फर्स्ट बॉलिंग लेते हैं तो अक्षर पटेल को मैं अपनी टीम में रखूँगा, और हो सके कि एक आध बॉलर और मैं बढ़ा दूँ इनके जगह पर, हो सकता है कि जितेश शर्मा या फिर पृथ्वी शाह को, दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकता हूँ, लेकिन वो चीज़ आपको पता चलेगा टेलीग्राम चैनल पे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।